कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं सुकमा जिले में ही हूं। आपने पिछला वीडियो में देखा जो हमारा डुडुम्मा वाटरफॉल था और जो पिकनिक स्पॉट था, उसके बाद हम एक और सुकमा के ही छिंदगढ़ जो तहसील है उसके नज़दीक में स्थित रोकेल नामक स्थान में पहुँच चुके हैं। और ये है बानी जो कि बाना और कौन सा नदी में है, डुडेर नदी पर बनता है ये बाना पिकनिक स्पॉट है। काफ़ी खूबसूरत है, इस ओर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पहुँच चुका हूँ और कंप्लीट एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। और अगर आप सुकमा में हैं और अभी तक इस स्थान में नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए, बस्तर में हैं तो भी आइए, और छत्तीसगढ़ के किसी कोने में हैं तो भी अगर सुकमा आते हैं तो ज़रूर इस स्थान में आइए, घूमने में आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे खूबसूरत से एपिसोड को। तो साथियों हम लोग पहुँच चुके हैं सुकमा से छिंदवाड़ा तक, लगभग 22 किलोमीटर का सफ़र किया हमने। और उसके बाद अभी रोकुल से थोड़ा सा आगे जा करके कटे हैं, यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं, इस ओर हमारा कार नहीं जा सकता। चलिए दिखाते हैं आपको आज के हमारे खूबसूरत से डेस्टिनेशन। गर्मी का मौसम है लेकिन फिर भी यहाँ ठंडा है। एक पॉइंट तो बड़ा अजीब सा दिखा है, पूरा सूख चुका है, पूरा सूखा हुआ है, उसको जला ला भी दिए हैं शायद तक। जा रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं, नारियल कहीं चीन कहीं सेल्फी, सब जगह कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ये देखो इधर नारियल है क्या, चीन है क्या नारियल, पता नहीं। गाड़ी रखने के बाद लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है भाइयों, और डोडेर नाला जो कि रोकेल में है उसके नज़दीक से हम लोग जा रहे हैं। बाना इस डेस्टिनेशन का नाम है, अभी पहुँचे नहीं हैं, छोटा सा वाटरफॉल है, और ये डोडेर रिवर है, नाला है आई थिंक, बहुत खूबसूरत है, नदी जैसा ही फील करा रहा है, बड़ा है आई थिंक। इधर ना चलो आगे बोल रहे हैं, आगे चलते हैं, लेकिन इधर इस ओर काफ़ी खूबसूरत है। वो गाड़ा है ना मितान, वो क्या है, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा है, कैमरा में शायद नहीं दिखा पाऊंगा, सन इस साइड है। तो दोस्तों अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, इस ओर देखते हैं, इधर तो काफ़ी पानी है, काफ़ी लोग यहाँ मछली वछली झोल रहे हैं, पकड़ रहे हैं आई थिंक। लोग मछली पकड़ने वाले लोग, इधर नहाने का मन कर रहा है, नहाया नहीं रहता, नहा भी लेता। यहाँ 1.5 किलो साइज का ज्यादा, ऐसा 3-4 किलो का भी मिलेगा देसी मछली, मगर वो अंदर सुरंग है ना पकना बनता, अच्छा उसमें जाग छिप जाती है। अभी भून सकते हैं, मांग के इनसे, लेकिन वो देखो तलाश कर रहे हैं, देते हैं ना उनको पैसा, बिना नहीं है बोल रहे हैं, मछली है क्या लोग पास, मछली ये तो उसी नाला जैसे जब पिछला हम लोग देखे थे। हाँ डुडुम्बा, वो डुडुम्बा दुड़मा, ये बाना। तो दोस्तों इसका नाम बाना है, वो दुड़मा था, हूबहू एक जैसे हैं दोनों। इसके साथ साथ और भी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी कई जगह है, मतलब अच्छा उसके लिए आपको भाई साहब से कांटेक्ट करना होगा। हम यहाँ के लोकल नहीं हैं, ये हैं हमारे बस्तर ट्राइबल होम स्टे का सुकमा स्टे सब ब्रांच। तो आप आइए इस ओर और मिलियन से। गर्मी का मौसम आ गया है मितान, पूरा गर्मी आ गया मितान, गर्मी लग रहा है, यहाँ से एक ड्रम फ्रूट ले लो, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट। दोस्तों जैसा कि कौशल गोस्वामी जी का आप ब्लॉग देख रहे हैं, अभी हम एक ऐसे जगह पे है, ड्रोन वाला भी आप शॉर्ट देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत जगह है, सुकमा से अंदर काफ़ी अंदर है हम, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे स्पॉट है जहाँ पे आपको आना चाहिए यदि आप घुमकड़ी के शौकीन हैं। तो अभी हम हैं बाना नामक जगह इसको कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो झरने नुमा जो यहाँ से कलकल करती ध्वनि आपको सुनाई दे रही है,
और यहाँ हम लोग बहुत इत्तेफाक से आए हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। बाना का नाम है, छत्तीसगढ़ी में कहूँ या तो हिंदी में कहूँ, सबके लिए अपना अपना अर्थ होता है बाना। और इसमें आप देखें गाड़ी रावण लाइक जैसे अपन बोलते हैं, तो उसमें होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गाड़ी बैल जो चलता है, तो गाड़ी बैल का जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसी नुमा में जो ये फ्रेम जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे सामने में। और ऐसे हम जब देखते हैं तो भाई साहब ने गोप्रो में बोला था कि आपको सूर्य की तरफ नहीं दिखाना है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ इस तरफ दिखाने में। और देखिए कि हम अभी यूँ कहे कि ऐसे बीच में है, यदि कभी अचानक से बाढ़ जैसा आया तो फिर मैं प्रवाहित हो जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बस्तर बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक नज़ारे यहाँ पे शानदार होते हैं। और अभी हम बाना नामक जगह में हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास में पूरे ब्लॉग जो है आप देख रहे हैं, और देखते रहिए। कौशल गोस्वामी जी बहुत अच्छा वीडियो मेकिंग करते हैं, कलकल की ध्वनि आप सुन पा रहे हैं। एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, यहाँ स्थानीय व्यक्ति शंकर जी हैं, शंकर मितान है, तो उनके साथ हम लोग इधर एक्सप्लोर करने के लिए आ गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप मिस मत कीजिए, सो लगे रहिए हमारे साथ। जैसा कि हम अभी बाना नामक जगह है और खूबसूरत है, अब जब बरसात के दिनों में जाएंगे तो आएंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ आपको देखने मिलेगा। सामने में साथी लोग हैं, आरामदेह जगह है, देखिए आराम मुद्रा में जिनका वीडियो आप देख रहे हैं कैमरे के पीछे में, मैं हूं तेज और इन्होंने थोड़ा सा आराम कर रहे हैं भाई साहब। और मितान जी है जिनके मार्गदर्शन में हम लोग यहां तक आए हैं। भाई साहब है लोकेश जी, बहुत खूबसूरत जगह है और देसी बह रही है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो काफ़ी खूबसूरत। दादा हमारे साथ है, कौशल गोस्वामी व्लॉग्स और देसी ट्रैवलर 08 सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आप द लोक मीडिया आल्सो सब्सक्राइब, लव यू ऑल, बाय। तो साथियों आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, जो हम ये बाना नामक स्थान आपको दिखाए, बहुत ही खूबसूरत ड्रोन शॉट भी दिखाए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए हैं, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। इस प्रकार के जो भी वीडियो आते रहेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंच जाएगा। चलिए आज के एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं और पीते हैं पानी, ये वाला जगह ज़्यादा बेटर है। मज़ा आ रहा है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।